की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान रेलवे स्टेशन पर एक ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि लालू बिन बिहार कैसे होई गाना बज रहा है, लेकिन ये गाना पूरी तरह से एडिटिंग किया हुआ है। आपको पहले वो गाना सुनाते हैं, आप वो गाना सुने, उसके बाद हम इसके कारण बताएंगे। आपने वो गाना सुना, इसमें पहली चीज़ दिख रही है कि स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिख रही है। जब ये गाना रिकॉर्डिंग किया गया है तब यात्रियों की काफ़ी भीड़ दिख रही है। अब आपको बता दें कि गाना सुनने में ये साफ तौर पर क्लियर आवाज़ में सुनाई दे रहा है, लेकिन ज़रा आप भी सोचे, जब स्टेशन पर इतनी भीड़ होगी वहाँ आम पब्लिक की थोड़ी सी आवाज़ इस रिकॉर्डिंग में ज़रूर आएगी, लेकिन गाना इतनी क्लियर साउंड में है सुनाई दे रहा है, जिसे साफ तौर पर लग रहा है कि वहाँ का वीडियो उठाकर इसमें गाना एडिटिंग किया गया है। दूसरी बात, जब स्टेशन पर इस तरह के गाने अचानक से बजेंगे तो अचानक से ऐसे गाने बजने के कारण लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। गाना बज रहा है लेकिन लोगों का ध्यान अपने आप में है। तीसरी बात, जब स्टेशन पर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर ऐसी गानों को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई भी गाना सिवान रेलवे स्टेशन पर नहीं बज रहा है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस तरह का कोई भी गाना स्टेशन पर नहीं बजाया गया है, जबकि सिवान के कुछ महान मीडिया कर्मियों ने इसे बेवजह हवा बना दिया कि स्टेशन पर इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। कल से आप लगातार खबरों में ये सुन रहे होंगे कि सिवान रेलवे स्टेशन पर लालू बिन बिहार कैसे हुई गाना बज रहा है, जो पूरी तरह से अपवाद है, झूठी खबर है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।